तो भाई साहब यहाँ पर देखिए यूथ की पूरी भीड़ लगी है। ये यहाँ पे डिजाइन अभी स्केच किया जा रहा है, ये कंधा तक टाइट हुआ है भाई, दिखाइए जरा। पूल खेलने के लिए मिल जाएगा, बजट फ्रेंडली है कि बहुत महंगा? नहीं, बजट फ्रेंडली। पटना में भी लोग इंटरेस्टेड हैं क्या, लोग आ रहे हैं? पहले उतने नहीं थे, बट बहुत ज्यादा हो गए हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, दर्द हुआ था क्या? हाँ। बहुत दर्द हुआ था, थोड़ा सा हुआ था? थोड़ा हुआ था। अच्छा है, बनवाना चाहिए यार, लुक अच्छा देता है। मम्मी और पापा दोनों के लिए यहाँ पर टैटू बन करके तैयार हो गया। ये काली माँ है ना? काली माँ। और बजाब से पूरा वॉल बनाया गया है, इसमें से कोई सा भी चूज करो और फिर वो टैटू आप बनवा सकते हैं। ये टैटू इन्होंने अपनी मम्मी की याद में बनाया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। में फिर से आपका दोस्त साहब आपके साथ है। बिहार की राजधानी पटना में हर रोज कुछ नया देखने को मिलता है, नया कंसेप्ट सामने आता है, और उन नए कंसेप्ट को सामने रखने का काम है आपके भाई साहब का। तो फिर आज हम लोग आ चुके हैं एक ऐसी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए जो कि युवाओं में काफ़ी ज़्यादा क्रेजी वाला माहौल पैदा कर रहा है। ये बिहार में जो सबसे बड़ी जगह है ना टैटू को लेकर के, तो आपको दिखाने वाले हैं, मेरे जानने वाले हैं। उन्होंने मुझे इस प्लेस के बारे में जैसे ही बताया, वैसे क्या है भाई, लोकेशन की मैं बात कर लूँ, ये जो फ्लाई ओवर चढ़ते हैं ना हम लोग गोला रोड के लिए, उससे पहले ही आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये यहाँ पर 90s बड़ा सा LED स्क्रीन भी मिलती है। अभी बनवाए टैटू, आइए आइए। अभी हम लोग यहाँ पर कवरेज ही कर रहे थे, तब तक कुछ लोग मिल गए जो टैटू बनवा के आ रहा। दिखाइए जरा टैटू अपना, काफी जबरदस्त लग रहा है यार। तो अभी हम लोग चलते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या कुछ है, क्या प्राइस रेट है, ईच एंड एवरीथिंग। आपको सस्ता पड़ा कि महंगा पड़ा? नहीं, बहुत सस्ता पड़ा है। चलो ठीक है, अभी डिस्क्लोज मत करिएगा, हम लोग अंदर चल के बात करते हैं। जैसे अंदर आते हैं तो यहाँ पर हमें मिल जाती हैं सिमरन मैम, यहाँ पे सब कुछ मैनेजमेंट वगैरह देखती हैं। बेसिकली टैटू वैटू का ट्रेंड हम लोग देखते हैं बाहर, गोवा, मुंबई, बेंगलुरु, लेकिन पटना में भी लोग इंटरेस्टेड हैं क्या, लोग आ रहे हैं? पहले उतने नहीं थे, बट बहुत ज्यादा हो गए हैं। बिल्कुल, जो लोग भी टैटू बनवाने आते हैं क्या वो पहले से सोच कर आते हैं या फिर आकर के यहाँ पर आप लोग कुछ कैटलॉग वगैरह दिखाते होंगे? हाँ, कुछ लोग डिजाइन लेके आते हैं कि ये बनवाना है, या फिर कुछ लोग आते हैं सजेशन लेते हैं हमसे कि, तो हम उन्हें बताते हैं कि नहीं आपके ये अच्छा लगेगा या वो अच्छा लगेगा। मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ जो लोग यहाँ पर पहले से टैटू बनवा रहे हैं, और काफी बड़ा टैटू है यार, मतलब आप देख के शौक हो जाओगे। कंधा तक टैटू है भाई, दिखाइए जरा ये टैटू। और ये अभी अंडर प्रोसेस है ना, अभी ये चल रहा है, एक ब्लूप्रिंट उतारा गया है पूरा, और उसके बाद इसके ऊपर डिजाइन किया जाएगा। यहाँ पर लॉर्ड शिवा हैं, उनके ऊपर शायद ये लायन है एक, और देखते हैं बनने के बाद ये पूरा कैसा दिखेगा। लेकिन ये टैटू, इतना बड़ा टैटू आप बनवा रहे हैं, घर में किसी ने बोला नहीं कि क्या करने जा रहे हैं? जी नहीं, मैं बिहार के लिए क्रिकेट खेलता हूँ, स्टेट टीम के लिए। अच्छा अच्छा, तो मेरे पापा ने बोल रखा है कि आप क्रिकेट में अच्छा करो, उसके बाद आपको उसके अलावा जो करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप क्रिकेट में अच्छा करो बस। अच्छा, मतलब पापा को अच्छा लगता है कि आप क्रिकेट मैच खेलते हो? जी बिल्कुल, मैं बिहार के स्टेट टीम के लिए क्रिकेट खेलता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये फिलहाल ये टैटू बनवाने के लिए सोचा, इसमें कितना प्रोसेस लग रहा होगा, कितने देर से आप हैं यहाँ पे? फिलहाल हम तो यहाँ पे काफी देर से, 2-2.5 घंटे हो गए, अभी हाफ भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अच्छा, कम से कम ऑलमोस्ट ये 8-9 आवर्स लगेगा इसमें, 8-9 आवर्स लगेगा एक टैटू बनवाने में। और अभी जो इसको बना रहे थे ना, मैं उनसे ही बातचीत करूंगा, क्योंकि आप देखोगे ना जरा इसको ध्यान से देखो आप कि ये कितना बारीक काम है। यहाँ पर काफी अच्छा एम्बियंस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देखोगे तो इस साइड में आपको पूल खेलने के लिए मिल जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको काफी अट्रैक्ट करती हैं। एक चीज मैं बता दूं कि सिमरन मैम पहले से ही अपने मटर गश्ती फैमिली की मेंबर है। एक्चुअली आपकी वाइफ बहुत क्यूट है। अच्छा। और मुझे बहुत अच्छी लगती है, और आप जब उन्हें शॉपिंग कराने ले जाते हैं तो मुझे बहुत स्वीट लगता है। एक्चुअली में अभी क्या है ना कि वो अपने मायके में है। अच्छा। और मैं यहाँ पर हूँ। हाँ। तो उनके व्लॉग्स में आप देख भी रही होंगी वो चीज़। थैंक्स टू यू कि मतलब आपको अच्छा लगता है देखने। अमित भाई का ये पूरा कॉन्सेप्ट है बिहार में सबसे बड़ा टैटू का हब एक तरह से कह सकते हैं इसको। किसी भी तरह का टैटू बनवाना हो तो मुझे यहाँ पर आ जाना है। अच्छा, एक चेस्ट पर आपके कुछ दिख रही है, क्या है? ये मेरी माँ का फोटो है। अच्छा, ये आपकी माँ का है, मतलब टैटू इमोशन से जुड़ गया जिंदगी भर माँ दिल के पास। तो एक बात बताइए कि आपने ये कैसे बनाया, और मैं बाहर से आ भी रहा था तो माई टैटू माई स्टोरी कुछ इस टाइप का लिखा हुआ था। ये एक्चुअली माई टैटू इज माई स्टोरी का मतलब ये था कि मैं अपनी माँ के लिए पहली बार टैटू बनवाया था। मतलब कुल मिलाकर के माय टैटू माय स्टोरी का मतलब होता है कि मेरा टैटू जो है वो मेरी स्टोरी बता रहा दुनिया वाले को सामने। जितने भी बंदे अगर कोई कोई टैटू बनाते, कोई अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बनाते हैं, कोई अपनी वाइफ के लिए बनाते हैं, कोई अपने भाई के लिए बनवाता है, मेरे स्टूडियो में ऐसा ऐसा बंदा है अपने अपने भाई का फोटो बनवा के गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे कि मैं अपनी स्किन के साथ खेल रहा हूँ एक तरह से,
तो क्या मुझे डरना चाहिए टैटू बनवाने से? बिल्कुल डरना चाहिए। टैटू इज जस्ट लाइक अ मेडिकल। जिस तरह एक डॉक्टर के पास आप जा करके इलाज कराते हैं, उसके बारे में जानते हैं, ठीक है, वो कैसा इलाज करता है कैसा नहीं करता है, ऐसे कोई भी रोड छाप डॉक्टर के पास तो नहीं जाते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सबसे पहले बंदे का काम देखिए, जो स्टूडियो है वो स्टूडियो का काम देखिए कि बंदा अच्छा काम करके दे रहा है कि नहीं। बिल्कुल। ठीक है, खराब कर दे रहा है कुछ, तो ये सबसे बड़ा प्रिकॉशन लेने की चीज़ है कि सबसे बड़ा कि आप स्टूडियो में देखिए कि बंदा कैसा है, स्टूडियो कैसा है, बनाने वाला आर्टिस्ट क्या है। दो बंदे टैटू बनवा रहे हैं, ठीक है, अच्छा एक बंदा टैटू बनवा रहा है और दो तीन बंदा उसको फोर्स कर रहे हैं कि जल्दी चलो क्योंकि वो लोग बोर हो रहे हैं। तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ये डाला है कि यहाँ पे गेमिंग जोन डाल दिए हैं कि जिससे जो बंदे के साथ में आए वो भी बोर। अभी जब मैं यहाँ पर आया था थोड़ी देर पहले, आपने वीडियो में देखा होगा कि एक बंदा टैटू बनवा रहा था, चार पांच बंदे उसके साथ आए थे। बिल्कुल मजबूरी है यार, पांच घंटे लगा तो मैं अकेला करूंगा अभी क्या करेगा कोई। सही बात है। तो जैसे कि भैया यहाँ पर टैटू अभी बनवा रहे और बाकी ये चीज़ें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि मेरे बजट में है क्या क्या, मतलब सोचना चाहिए कि अरे यार बहुत खर्चा हो जाएगा? नहीं, बजट में, बजट फ्रेंडली है, नो डाउट। चार्ज मेरा 400 पर स्क्वायर इंच है। अच्छा, स्क्वायर इंच। हाँ, नॉर्मल चार्ज है, मतलब कि एक इंच हाँ, मतलब एक स्क्वायर इंच का 400 चार्ज, चाहे कैसा भी टाइट हो। हाँ, फोटो का अलग चार्ज है। अच्छा, फोटो का 500 है। ओके, फोटो का 500 है। कलर का हम लोग चार्ज करते हैं 100 एक्स्ट्रा चल लग। अच्छा, 100 एक्स्ट्रा चार्ज, 500 पर स्क्वायर इंच रहता है। चलिए ठीक है। ये वो कपल है जो कि पटना के यूथ को एक अलग बस क्रिएट करके दे रहा है कि आपको गोवा में होने की जरूरत नहीं है, आपको बेंगलुरु में होने की जरूरत नहीं है, मुंबई से कोई मतलब नहीं है, पटना में आपको हर वो चीज़ मिलेगी। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी है यार, मेरी तरफ से भी हैट्स ऑफ है कि भैया का भी एक चैनल है, कौन सा चैनल है? 19 टैटू करके, और उसको भी शाउट आउट है भाई, जाके सब्सक्राइब करो, देखो कंटेंट। और मैम भी अभी चैनल शुरू करने का सोच रही थी, मैंने बोला कि आप शुरू करो यार, हम लोग हैं साथ। टैटू आर्टिस्ट है। अच्छा, एक चीज़, एक थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन है बहुत बड़ा, कि कभी डर नहीं लगता कि कुछ अगर गलत हो गया तो क्या होगा? नहीं, कॉन्फिडेंट होता है। कॉन्फिडेंट होता है, बेसिक, बिल्कुल। ये कॉन्फिडेंस ही है जो कि इतना बारीक काम को भी इतने अच्छे से अंजाम दे रहा है। यहाँ पर बहुत सारे तस्वीरें आपको देखने को मिल जाएंगी, और ये सारा अगर मैं चाहूँ तो इसको बोलूँगा कि इसको मेरे हाथ तो बना दो, तो आप बना दोगे ना? Yes. तो अभी यहाँ पर आप लोग देख लिया ना, अभी यहाँ से हम लोग चलते हैं बोरिंग रोड और देखते हैं कि वहाँ पर कैसा क्या है कुछ है। ठीक है, फाइनली अभी हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पर जीबी मॉल। जीबी मॉल में जैसे ही आप नीचे आते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, तो आपको 90s टैटू देखने को मिल जाता है, और यहाँ का एक अलग ही वाइब है यार। यहाँ पे चारों तरफ लोग टैटू बनवा रहे हैं, इस साइड में भी टैटू बन रहा है, यहाँ पे भी टैटू बन रहा है, और इस साइड में भी टैटू बनवाया जा रहा है। आप लोग भी टैटू बनवाने के लिए हैं, क्या बात है यार, यहाँ बन के तैयार भी हो चुका है। ओहो, एडवेंचर, आजकल एडवेंचर बहुत ही ज़्यादा फेमस है ना। तो ये सारे लोग हैं अभी, और यहाँ पर अभी मैम टैटू बनवा लिया इन्होंने। मैम दिखाइए ज़रा ये टैटू आपने, क्या लिखवाया आपने? अच्छा, ये क्या है, आपका नाम है? ओके, तो मैम ने यहाँ पर अभी टैटू जस्ट बनवाया, कैसा फील हो रहा है बनवा कर? बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, दर्द हुआ था क्या? हाँ। बहुत दर्द हुआ था या थोड़ा सा हुआ था? थोड़ा हुआ था, बहुत। तो मतलब जो फर्स्ट टाइम टैटू बनवा रहा है उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे, डर रहा है जो? नहीं, कुछ ऐसा दर्द नहीं होता है, बस थोड़ा बहुत होता है। अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू। और बनवा करके काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही है अभी, है ना? और इस साइड में मैम बैठी है। मैम आप बनवाने आई है फिर किसी के साथ है? अच्छा, साथ में आई है। अच्छा, आपने भी टैटू पहले बनवाया है कभी? कभी नहीं बनवाया। तो टैटू के बारे में आप क्या सोचते हैं? अच्छा है, बनवाना चाहिए, लुक अच्छा देता है। हाँ। और क्या बोलते हैं, आज के फैशन के हिसाब से करवाना। यूथ में काफी ज्यादा क्रेज है टैटू को लेकर, बहुत ज्यादा। यहाँ पर अलग अलग जगह बनाई गई है प्रॉपर तरीके से, यहाँ पर लोग टैटू बनवा रहे हैं। यहाँ पर एक भाई है जो कि ये क्या लिखा है, माँ और पा, क्या बात है, मम्मी और पापा दोनों के लिए ही यहाँ पर टैटू बन करके तैयार हो गया। टैटू बनवा करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिन से सोचे थे बनाने के लिए, फर्स्ट टाइम है मेरा, फर्स्ट टाइम। एक तरफ एडवेंचर है, एक तरफ माँ और पा है, है ना, दोनों ही बन गया। अच्छा, एक चीज़ और कि बजट फ्रेंडली है कि बहुत महंगा है? नहीं, बजट फ्रेंडली, मतलब कि आप सोच सकते हो कि बिहार में सबसे बड़ा टैटू और इतने सस्ते में यहाँ पर काम हो रहा है और काफ़ी अच्छी हाई क्वालिटी का काम हो रहा है, जैसा कि मैं लोगों से सुन रहा हूँ, मैं अपना रिव्यू नहीं दे रहा हूँ। और बजाते इसको रैप किया जाता है इसलिए क्योंकि ये इन्फेक्शन नहीं हो कोई। भाई कितने देर का प्रिकॉशन लेना पड़ता है वैसे? वन आवर तक। वन आवर तक,
ओके, एक घंटे तक आपको ऐसी रैप करके रखना है कि बाहर का जो एटमोसफेयर में धूल गर्द है वो सब ना पड़े। तो एक हम लोगों ने दिखाया रूपसपुर वाला, ये दूसरा हो गया जीवी मॉल वाला। तो बाकी अमित भाई कॉस्ट वॉस्ट तो सेम है ना सब? कॉस्ट हाँ, कॉस्ट कहीं का भी कॉस्ट तो वहाँ भी रहे चाहे यहाँ भी रहे दोनों ही जगह क्या, वहाँ पे हमारा 20% डिस्काउंट है क्योंकि अभी नया चल रहा था ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। होता क्या है ना कि जब आपको एक माहौल मिलता है, एक इन्वायरमेंट मिलता है, तो आप उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो ये चीज़ इन लोग दे रहे हैं, इन लोग खुद भी यूथ हैं, खुद भी न्यू जनरेशन है, और जो न्यू जनरेशन आए यहाँ पर उसके लिए तो एक से एक सजेशन है। यहाँ पर बजाबते पूरा वॉल बनाया गया है जिसमें कि आप अगर आपको लेना है तो आप इसमें से कोई सा भी चूज़ करो और फिर वो टैटू आप बनवा सकते हैं, या फिर अगर आप कोई अपना डिज़ाइन चूज़ करके लाते हैं तो उसको भी एकदम मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से आपके जिस्म पर उकेर देंगे ये लोग, और अच्छे से कलर वाला भी फील कराना चाहें तो वो भी आप करा सकते हैं। कलर के लिए सबसे बड़ा चीज़ है कि हम लोग देखते हैं पहले स्किन, हाँ, आपके बॉडी का टोन क्या है। हाँ, जैसे भाई ये यहाँ बैठा हुआ है, हाँ, ये भाई को कलर करवाना है, अच्छा हमने मना कर दिया। अच्छा अच्छा, उनका डिज़ाइन वो बन रहा है। अच्छा, वो डिज़ाइन बन रहा है। तो अच्छा, पहले मतलब इसको डिजिटली कंप्यूटर पे पूरा डिज़ाइन बनाया जाता है, उसके बाद फिर आपके हाथ पे आएगा जहाँ पे भी आएगा। तो अगर मेरा बहुत ज़्यादा फेयर कलर है तो कलर मज़ा आएगा, मज़ा आएगा फिर, है ना? सर लोग यहाँ पे दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें ना दिखता है बिल्कुल, ये कलर विजिबल है। ये थोड़ा और ऊपर तक है क्या? ये काली माँ है ना? हाँ, ये चीज़ है। और यहाँ पे भाई के हाथ पे टैटू बन रहा है। किसकी तस्वीर बनी है? ये मम्मी की तस्वीर है, आप देख सकते हो। ये टैटू इन्होंने अपनी मम्मी की याद में बनाया है। अमित भाई ने बोला कि एक बार आकर के आप विजिट करिए, तो मैंने सोचा कि नहीं विजिट करना चाहिए क्योंकि ट्रेंड के हिसाब से चलिए तो अच्छा होता है। तो चलिए अमित भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि पटना के लोगों को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं आप, इतना अच्छा ट्रेंड जो फॉलो कर रहे हैं बाहर के लोग। मतलब मुझे दिल्ली, मुंबई या बैंगलोर जाने की जरूरत नहीं है अच्छा टैटू बनवाने के लिए। आप हमारा काम देखें, हाँ, तब हमको जज करें कि हाँ सही में बंदा काम कर रहा है। चलिए फिर आपको मिला, रेस्ट लोगों को।